जय हो गुरु गोविंद देव भगवान जी की। बहुत सुंदर थी, आज इनके चरण दर्शन कीजिए। 12 भुजाएं हैं इनकी, 12 भुजाएं। जय हो ये इनकी 12 भुजाएं हैं, ये इनके चरण हैं। साल में एक बार दर्शन होते हैं ये। बहुत सुंदर दर्शन, बहुत ही सुंदर दर्शन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनभावन। जय हो गुरु गोविंद देव भगवान। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जय हो, बहुत ही मनभावन। जय हो गुरु गोविंद देव। क्या सुंदर, वो देखो गुरु गरुड़ जी के ऊपर वो विराजमान है। बहुत सुंदर, ये गरुड़ जी हैं, बीच में दिख रहे हैं आप, ये गरुड़ जी हैं, इनके ऊपर भगवान कृष्ण विराजमान है। 12 भुजाएं हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनभाव, बहुत ही सुंदर। जय हो गरुड़ गोविंद भगवान जी की। बहुत क्या रहो, बहुत ही सुंदर दरबार, बहुत ही सुंदर। आज प्रभु के चरण दर्शन होते हैं अक्षय तृतीया पर। ये बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। जय हो गुरु गोविंद भगवान की। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे दर्शन, बहुत ही सुंदर दर्शन। जय हो। ये कौन है, लक्ष्मी? बहुत ही सुंदर दर्शन गुरु गोविंद देव जी के। आज अक्षय तृतीया है और आज बहुत ही पवित्र दिन है। जैसे कि आपको सारी अपडेट्स होंगी, आज ही के दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, आज ही के दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, आज ही के दिन वेदव्यास जी ने महाभारत लिखनी प्रारंभ की थी, आज ही के दिन प्रभु परशुराम जी, भगवान परशुराम जी धरती पर अवतार लिया था, और आज ही के दिन श्री कृष्ण सुदामा जी का मिलन हुआ था। तो आज का दिन बहुत पवित्र दिन है, बहुत ही आनंदित है। और गोविंद जी क्या गरुड़ गोविंद मंदिर में हूँ, खुले दर्शन हुए अपने, तो मानना ये सारे एक ही है और हैं ही एक ही, मानना क्या है ही एक ही, लोग नहीं मानते बात। ये भी 5000 वर्ष पुराना विग्रह है, जो कि बगल में जो कुंड है वहाँ से प्रकट हुए। और जैसा कि आज कोई उत्सव है यहाँ पे, ड्रेसअप रखी हुई है, शायद कोई उत्सव होगा, तो बहुत ही मनभावन, बहुत ही आनंदित, बहुत ही मनभावन। तो अपने तो दर्शन हो गए गुरु गोविंद देव जी के, हो गए तो हम लोग बिहारी जी के हो गए चरणों के, राधा वल्लभ के हो गए, राधा रमण के हो गए, मदन मोहन जी के हो गए, राधा गोपीनाथ जी के हो गए, राधा गोविंद देव जी के हो गए, युगल जोड़ी सरकार के हो गए, सबके दर्शन हो गए। एक में ही प्रभु में हम एक में रूप में ही सबको देखते हैं, तो गोविंद देव जी में सबके दर्शन हो गए, आज मन प्रसन्न हो गया। तो चलिए चलते, मंदिर है हमारा, कभी आओ, वृंदावन के बाहर है मंदिर, गरुड़ गोविंद देव जी का मंदिर, वृंदावन के बाहर है मंदिर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर रूप, बहुत ही विशाल रूप, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मनभावन,